नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ तीलू रौतेले की वीर गाथा। ये वीर गाथा है गढ़वाल के इतिहास की, उस वीरांगना की जिसने बाल्यावस्था में तलवार और घोड़ों की सवारी कर युद्ध को अपना खेल बनाया। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर तीलू रौतेले का जन्म चौंदकोट के गुर्राट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भूपा सिंह तथा माता का नाम मैड़ावती था। इनके दो भाई थे जो अपने पिता भूपा सिंह की भांति बड़े ही वीर व साहसी थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही तीलू की सगाई भवानी नेगी के साथ हुई। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कत्तियों के हमलों से बहुत ही आतंक मचा था। लगातार हमले हुए जा रहे थे और इन हमलों में कत्तियों के खिलाफ लड़ते लड़ते इनके पिता ने युद्ध भूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके प्रतिशोध में तीलू के मंगेतर और दोनों भाइयों ने भी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और वे शहीद हो गए। कुछ ही दिनों में कांडा गाँव में मेला लगा और बालिका तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान मेले में जाने की जिद करने लगी। तभी माँ मैणावती ने रोते हुए बोला, तीलू तो कैसी है रे, तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले। ले सकती है क्या? जिस दिन बदला ले लेगी उस दिन मेला देखना। तीलू के बाल्य मन को ये बातें चुभ गई। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ की। तीलू ने युद्ध की नीति का अभ्यास स्वामी गौरीनाथ से लिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को घायल शेरनी बना दिया। शस्त्रों से लैस सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी दो प्रमुख सहेलियां बेलू और रक्की को लेकर युद्ध भूमि में निकल पड़ी। एक एक करके तीलू युद्ध में दुश्मनों को मार गिराती तथा अपने पिता के बलिदान का बदला लेती। शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी तो नदी के किनारे जल पीते समय शत्रु ने पीछे से वार कर तीलू के प्राण ले लिए। गढ़वाल की इस वीरांगना के बलिदान को हम सभी याद रखेंगे कि कैसे उत्तराखंड की इस वीरांगना ने 15 वर्ष की आयु में दुश्मनों के साथ 7 वर्ष तक युद्ध कर 13 गढ़ों पर विजय पाई और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हो गई। इस वीरांगना की याद में आज भी कांडा ग्राम व बिरोखाल क्षेत्र में हर वर्ष कौतिक आयोजित किए जाते हैं व तीलू रौतेले की प्रतिमा की पूजा की जाती है। गढ़वाल की इस लक्ष्मीबाई को शत शत नमन।